वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हमारी कैलकुलेशन की तीसरी और लास्ट क्लास है। आज हम देखिए क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे सिंगल डिजिट का, इसके बाद में डबल डिजिट और थ्री डिजिट का मल्टीप्लाई हम कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक लाइन में इनको कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। इसके बाद में मैं आपको 25, 5, 125 इन सब का मल्टीप्लाई कैसे तेज कर सकते हैं वो सिखाऊंगा। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाओ ये सब सीखेंगे, तो कैसे हम इनको भी फास्ट कर सकते हैं, 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैलकुलेशन जल्दी कर लोगे तो हार्ड क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो स्पेंड कर सकते हो। आज की क्लास में स्टार्टिंग में आपको थोड़ी क्वालिटी कम नज़र आएगी, तो उसके साथ आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आगे की जितनी भी क्लासेज होगी वो हाई क्वालिटी कि अच्छी क्लासेस आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता देता हूं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप टेस्ट 2022 फॉर ऑल एसएससी एंड बैंक एस्पायरेंट्स। जितने भी एसएससी और बैंक के एस्पायरेंट्स हैं उन सब के लिए ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो कंप्लीटली फ्री रहेगा। इसमें जितने भी नए एनरोलमेंट होंगे, यानी अभी तक आपने अनअकैडमी में कोई कोर्स में एनरोल नहीं किया हो, तो आपको 20 रुपीज़ दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। यानी आपको टेस्ट भी देने को मिलेगा साथ में। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो 100% फ्री में मिल सकता है। साथ ही साथ इसमें 10 लाख रुपए तक के इनाम दिए जाएंगे। इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। जो भी रैंक 1 होगा उसको 40K तक का लैपटॉप मिलेगा, 40,000 रुपए तक का लैपटॉप। रैंक 2 को 20,000 रुपए तक का मोबाइल दिया जाएगा। रैंक 3 को ईयरपोड्स दिए जाएंगे, ईयरपोड 10,000 रुपए तक के। रैंक 4 को गिफ्ट दिए जाएंगे 5,000 रुपए तक। 5 को गिफ्ट वाउचर्स दिए जाएंगे 2,500 रुपए के। और ये जो टेस्ट है वो 26 जून को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। तो अभी नीचे दी हुई लिंक से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोड मांगेगा तो आपको कपिल ऑनलाइन 10 ये कोड लगाना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको इसमें मोबाइल नंबर और OTP वगैरह मांगेगा, वो आप इसमें डाल के और अपना गोल डालोगे SSC या फिर बैंक एग्जामिनेशन। साथ ही साथ हमारा कोड डालने पर आपको ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और साथ ही साथ आपको इसमें इनाम भी दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आपको इसमें एनरोल करना है। अब हम चलते हैं अपनी क्लास में। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल डिजिट की कैलकुलेशन करना, सिंगल डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करना, फिर 5 से 25, 125 और 11 से मल्टीप्लाई करना। इसके बाद में एनी 2, 3 और 4 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना, बाद में स्क्वायर करना, वर्ग करना, जोड़ना, घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, ये सब हम इसी वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना। तो देखिए सिंगल डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कैसे हम करते आए हैं वो भी देख लेते हैं। हम कैसे करते हैं देखो, कोई भी डिजिट मान लो जैसे 25 है, इसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। हम कैसे करते हैं, 8 × 5 = 40 का 0 हासिल 4, 8 × 2 = 16 और 4 = 20, ऐसे करते हैं। करना कैसे चाहिए हमें देखो, 25 को करना है 8 से मल्टीप्लिकेशन। कैसे करोगे, पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 16, उल्टा चलो। पहले हम ऐसे चलते थे, अब हम उल्टा चलेंगे। 8 को 2 से गुणा करो 16 आया, आगे कितनी डिजिट बच गई, एक डिजिट बच गई, तो इतने ही आप लगा दो, 0 लगा दो। फिर 8 को 5 से गुणा करो 40, 160 × 40 जोड़ दो, कितना आया 200। आसान नहीं है क्या, इसको हम अपने माइंड में कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। जैसे और कोई ले लो, जैसे 35 को करना है 8 से मल्टीप्लाई, कैसे करोगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24, आगे क्या बच गया, एक डिजिट बच गई, तो एक ही क्या लगा दो, 0 लगा दो। इसमें जोड़ो 8 × 5 = 40, 240 और 40 कितना हो गया 280। क्या इसको हम अपने माइंड में नहीं कर सकते, जैसे 44 को गुणा करना है 7 से, तो अपने माइंड में करेंगे देखो, 7 × 28 280 और 7 × 28 280 और 28 कितना हो गया 308। क्या इस तरीके से हम अपने माइंड में चीजें कर सकते हैं, दिमाग में कर सकते हैं क्या? और इस पर आप जितना पकड़ बनाओगे आपकी स्पीड उतनी ही ज्यादा आएगी। अभी आपको लग सकता है कि इस तरीके में हमें स्पीड में थोड़ी दिक्कत आ रही है और हमारा जो पुराना तरीका है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपकी धारणा जल्दी बदल जाएगी अगर आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। जैसे और देखो, जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, जैसे
58 को गुणा करना है 9 से। कैसे करते हैं, 9 पंजे 45, 450, इसमें क्या जोड़ दोगे, 9 अंठे 72 जोड़ दोगे। अब जोड़ोगे कैसे, वैसे देखो 450 में पहले 50 जोड़ दो, 500, 500 में फिर 22 और जोड़ दो, 522। ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे। बाद में क्या करना है, कुछ और मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। देखो जैसे 12 को 13 से गुणा करना है, 12 को गुणा करना है 13 से, तो हम कैसे करते हैं, पहले 3 को गुणा करेंगे 12 से, फिर 1 को गुणा करेंगे 12 से, फिर दोनों संख्याओं को, दोनों जो लाइंस हैं, पंक्तियां, उनको जोड़ेंगे, उसके बाद में हमारा आंसर आएगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है, 12 को आप गुणा करना है आपको 10+3 से। 13 को क्या लिख सकते हो, 10+3, फिर पहले 12 को 10 से गुणा कर लो 120, फिर 12 को गुणा कर लो 3 से और दोनों को जोड़ दो, कितना आया, 156 आया। या इसको ऐसे कर सकते हैं, 12 गुणा 13 को हम लिख सकते हैं 12+1, लिख सकते हो 12 × 12 होता है 144, इसमें 12 एकम 12 और जोड़ दो, 144 और 12 फिर से कितना आएगा, 156 ही आएगा। और कोई ले हो, जैसे 223 को आपको गुणा करना है 14 से, कैसे करोगे, 14 को लिख लो 10+4, 10+4, पहले 23 को 10 से गुणा करो 230, 23 को 4 से गुणा करो 92 और दोनों को जोड़ दो। अब देखो 230 में 92 कैसे जोड़ेंगे, सही तरीका क्या है इसका, पहले 230 में 100 जोड़ दो, 330, और फिर 8 घटा लो 322, है ना आसान तरीका। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे 18 को गुणा करना है 12 से, कैसे करेंगे, 18 को 10 से गुणा कर लो 180, फिर 18 को 2 से गुणा कर लो 36, 180 में 36 जोड़ दो, कैसे करोगे, पहले 20 जोड़ो 200, आगे 16 और बच गए 216। ऐसे हम कर सकते हैं। इसके बाद में हम सीखेंगे 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से कैसे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं वो देखेंगे। तो देखो 5 से मल्टीप्लीकेशन, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 222 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। एक तो तरीका हमारा ये है, जैसे 5 × 10 का 0 हासिल 1, 5 × 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 5 × 10 और 1 11, एक तो हमें इसमें टाइम लग रहा है और एक अभी देखना कितना टाइम लगेगा, 222। 5 की जगह हम लिख सकते हैं 10/2, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या करो आप, पहले 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देना एकदम आसान है, हर एक संख्या में 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और आगे 0 लगा दो एक, आसान हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कोई भी संख्या दूसरी ले लो 434, इसको 5 से गुणा करना है, पहले इसमें 2 का भाग लगा दो, 4 का आधा 2, 34 का आधा 17, और आगे क्या लगा दो, 1 0, संख्या को आधा करो और आगे 1 0 चिपका दो। जैसे 832, 862 है, इसको आपको 5 से गुणा करना है, पहले इसको आधा कर लो, 8 का आधा 4 और 62 का आधा 31, और आगे क्या लगा दो, 1 0 चिपका दो। ये हो गया 5 से गुणा करना। इसके बाद में हम सीखते हैं 25 से गुणा करना। अब देखो 25 से कैसे गुणा करेंगे, कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 524, इसको हमें 25 से गुणा करना है, तो कैसे करोगे, 524, 25 की जगह हम लिख लेते हैं 100/4, 100/4, यानी 4 का पहले भाग लगा दो और आगे 2 0 चिपका दो। 4 का भाग लगाते हैं, देखो 52 में 4 का भाग लगाओ 13, 4 में 4 का भाग लगाओ 1 और आगे क्या लगा दो, 2 0 चिपका दो। और देखो 660 है, इसको 25 से गुणा करना है, सबसे पहले क्या करो, 4 का भाग लगाओ, 15 चौके 60, 16 चौके 64 और 5 चौके 20 और आगे क्या लगा दो, 2 0 लगा दो। ये हो गया 25 से गुणा, कितना आसान हो रहा है। देखो जैसे 888 को 25 से गुणा करना है, वैसे आप करके देखो अपने हिसाब से, नेचुरल तरीके से करके देखो कितना टाइम लग रहा है, कम से कम आपको लगेगा आधा मिनट, आधा मिनट कम से कम लगेगा, या फिर और आप अगर जल्दी पहाड़े आपको आते हो तो हो सकता है आपको 15-20 सेकेंड ही लगे, लेकिन इसमें देखो कितना टाइम लग रहा है, 4 का भाग लगाना है, 4 × 8, 4 × 8, 4 × 8, आगे 2 0, आसान है या नहीं है कमेंट करके बताइए। इसके बाद में देखो 125 से गुणा करना,
कोई भी संख्या है उसको 125 से आप कैसे गुणा कर सकते हैं? गुणा 125, 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 में 8 का भाग लगाते हैं तो 125 आता है, यानी इस संख्या में 8 का भाग लगाएंगे और आगे 3 जीरो चिपका देंगे। 8 का भाग लगाओ, पहले 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर आगे 0, 8 छक्के 48 और 8 एकम 8, आगे क्या लगा दिया हमने? 3 जीरो चिपका दिए। तो पूरे को हम समराइज कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या देखा? 5 से मल्टीप्लीकेशन, फिर 25 से, फिर 125 से। 5 के लिए हमने क्या किया? 2 का भाग लगाया और 10 से गुणा कर दिया। 25 के लिए 4 का भाग लगाया और 100 से गुणा कर दिया। 125 के लिए 8 का भाग लगाया और आगे कितने जीरो चिपका दिए? 3 जीरो चिपका दिए। क्या आसान नहीं है क्या? चलो आगे चलते हैं। 11 का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? कोई भी संख्या लेते हैं, बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, इसको 11 से हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये डिजिट है इसको यहाँ पर लिखो, फिर जोड़ते जाओ। 8 और 4 12 का 2 असिल 1, 8 और 4 12 और 1 असिल 13 का 3 असिल 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 असिल 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 असिल 1। अब 8 में वो असिल जोड़ के लिख दो, 8 और 1 9, ये हो गया 11। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लो, बड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, 8 6 8 4 9 8 7 6, इसको हमें गुणा करना है 11 से। अब वैसे हमें कितना टाइम लगेगा देखो, लेकिन अभी देखो कितना टाइम लगता है। 6 का 6 लिख दो, लिख दिया। अब जोड़ते जाओ, 7 और 6 13, 13 का 3 असिल 1, 8 7 15 और 1 16 का 6 असिल 1, ऐसे जोड़ते जाओ। 9 और 8 17 और 1 18 का 8 असिल 1, 9 4 13 और 1 14 का 4 असिल 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 असिल 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 असिल 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 असिल 1। अब लास्ट में बचा है 8, आगे कोई संख्या नहीं बची, इसमें 1 असिल जोड़ दो, 8 और 1 9, ये हो गया पूरा गुणा। जैसे और कोई संख्या ले लो, 455 है, 4552 है, इसको हमें 55 से गुणा करना है। तो क्या तरीका है इसका? देखो दूसरा, 4552, 55 को हम लिख सकते हैं 110/2, क्या नहीं लिख सकते? क्या करेंगे? सबसे पहले 2 का भाग लगाओ और 11 से गुणा कर दो। दोनों चीजें हमें अच्छी तरीके से आती है। 2 का भाग लगाते हैं, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। अब इसको 11 से गुणा कर दो और आगे 1 जीरो चिपका दो। 11 से गुणा करते हैं, देखो 6 का 6, 7 और 6 13 का 3 असिल 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 असिल 1, 2 2 4 और 1 5 और 2 का 2, आगे क्या लगा दो? 1 जीरो लगा दो। इतना आसान हो गया, 55 से गुणा भी हमने कितनी आसानी से कर लिया। आगे देखते हैं, देखो अब हम आगे चलते हैं, हमने 11 का मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब आगे क्या करेंगे? कोई भी दो डिजिट को मल्टीप्लाई करना सीखें। पहले शुरुआत करते हैं 2 डिजिट से, जैसे कोई भी 2 डिजिट लिख लो, जैसे 28 को 35 से गुणा करना है। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से समझना, शुरुआत में समझने पे गौर कीजिए। क्या करेंगे? 8 को गुणा कर लेते हैं 5 से, आया समझ में? राइट राइट दोनों को गुणा कर लो, 8 5 40, 40 का 0 और हासिल लग गई 4, लग गई। अब क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे, 2 को 5 से गुणा और 8 को 3 से गुणा, कर लो गुणा। 5 दूनी 10 और 8 3 24, दोनों को जोड़ दो, 24 और 10 34, 34 में ये हासिल और जोड़ दो, 34 और 4 38 का 8 हासिल 3। अब क्या करोगे? लेफ्ट लेफ्ट दोनों को गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 3 9। आसान हुआ कि नहीं हुआ? देखो और कोई संख्या ले लो, जैसे 54 को गुणा करना है 88 से, कैसे करेंगे? देखो 8 को 4 से गुणा करो, 32, 32 का 2 हासिल 3, फिर वज्र गुणा करो, 8 5 40 और 8 4 32, 40 और 32 72, 72 में 3 और जोड़ दो, 75, 75 का 5 हासिल 7, 8 5 40 और 7 47। हुआ कि नहीं हुआ आसान? कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। इसके बाद में देखो कोई भी 3 डिजिट वाली को कैसे करेंगे। 2 डिजिट को तो ऐसे कर दिया, बांट के कर दिया कि एक बार इसको गुणा कर दिया, एक बार इसको कर दिया, लेकिन 3 डिजिट को कैसे करेंगे? देखो कोई भी 3 डिजिट वाली, देखो जैसे 108 को गुणा करना 104 से, कैसे करेंगे? अब देखो इसमें 3 3 डिजिट है, हमने तो केवल 2 डिजिट के लिए सीखा है, तो
तो इस तीन डिजिट को भी हम दो डिजिट में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इसको यहां से तोड़ दो, बीच में से तोड़ दिया, एक डिजिट आठ रह गई, एक डिजिट दस रह गई, एक डिजिट दस रह गई और दूसरी डिजिट चार रह गई। अब वैसे ही करो, पहले राइट वाली दोनों को गुणा करो, 832 का दो हासिल कितनी बच गई, तीन। अब वज्र गुणा करो, 10 को 4 से गुणा 40, 10 को 8 से गुणा 80, 80 और 40 120, 120 में 3 जोड़ दो 123, 123 का 3 हासिल 12। अब लेफ्ट वाली दोनों को गुणा कर दो, 10 को 10 से गुणा करो 100, 100 और 12 112, बिल्कुल आसान। और कोई तीन डिजिट वाली संख्या ले लो, जैसे 408 को गुणा करना है 312 से, देखो बड़ी संख्या ली है अगली बार, कैसे करेंगे, पहले इसको बांट दो, दो संख्या में बांट दिया, अब क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1। अब क्या करोगे, वज्र गुणा करेंगे, 40 को 2 से गुणा 80, 31 को 8 से गुणा। अब ऐसे ये कैसे करेंगे, 8 3 24, 240 और 8 248, 248 में 80 जोड़ना है, 248 में क्या जोड़ना है, 80। ये कैसे करोगे, पहले 100 जोड़ दो 348, इसमें से 20 घटा दो 328, 328 में ये एक हासिल और जोड़ दो, 329 का 9 हासिल कितनी बच गई, 32। अब 31 को 40 से गुणा करो, कितना आएगा देखो, 1240, 1240 में 32 और जोड़ दो, कितना आएगा 1272। अभी आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी लग सकता है कि आपको हार्ड लगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये चीजें भी आपकी आदत में आ जाएंगी। देखो आगे, आगे और कोई डिजिट ले लो, जैसे 104 है, इसको गुणा करना है हमें 112 से, कैसे करेंगे, पहले इसको बांट लो, बीच में बांट लिया, 4 को 2 से गुणा करो 8 आ गया, फिर क्या करो, वज्र गुणा करो, 10 को 2 से गुणा 20, 11 को 4 से गुणा 44, 44 और 20 क्या हो गया 64, 64 का 4 हासिल 6। अब 10 को 11 से गुणा करो 110, 110 में 6 जोड़ दो 116, आया या नहीं आया समझ में। देखो अब आगे हम करते हैं चार डिजिट का, अब तक हमने देख लिया टू डिजिट मल्टीप्लाई और थ्री डिजिट मल्टीप्लाई, अब चार डिजिट कैसे करेंगे, देखो जैसे कोई भी संख्या मान लो 1008 और इसको हमें गुणा करना है 1004 से, ये दो हमें मल्टीप्लाई करने हैं, देखो कैसे करेंगे, पहले दो डिजिट में हमने क्या किया, एक एक डिजिट को अलग कर लिया, तीन डिजिट में क्या किया, दो को अलग कर लिया और एक को अलग कर लिया, अब चार में क्या करेंगे, बीच में से काट देंगे इसको, यहां से काट देंगे, ये एक डिजिट हो गई, वन सेकेंड, ये एक डिजिट हो गई 10 और 8 अलग डिजिट हो गई, ये 10 अलग डिजिट हो गई और ये 4 अलग डिजिट हो गई। पहले क्या करोगे, 8 को 4 से, ये 08 का मतलब 8 ही हो गया, 04 का मतलब 4 ही हो गया, 8 को 4 से गुणा करेंगे कितना आया, 32 आया। अब क्या करेंगे देखो, पहले हम क्या करते थे, 2 रखते थे और 3 हासिल लगाते, लेकिन अब नहीं करेंगे, अब हम 32 का 32 ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इधर हमने दो दो संख्या ली है, राइट साइड में हमने कितनी संख्या ली है, दो, तो इधर भी हमें दो दो संख्या लेनी पड़ेगी और तीसरी जो भी होगी ना उसको हासिल में लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 10 को 4 से गुणा 40, 10 को 8 से गुणा 80, 80 और 40 120। अब 120 में कितनी संख्या है, तीन संख्या है, इसमें से दो संख्या तो इधर लग जाएगी और एक क्या लग जाएगा हमारा हासिल में, 10 को 10 से गुणा करो 100, 100 और एक 101, ये हो गया हमारा गुणा 1008 से 1004 का। और देखो कोई भी, इसके बाद में देखो कोई और संख्या ले लो, जैसे चार डिजिट की कोई सी भी संख्या ले लो, 1025 को हम गुणा कर लेते हैं 1225 से, 1025 को गुणा कर लेते हैं 1225 से, देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, अलग अलग करना, अलग कैसे करेंगे देखो, 10 को अलग कर लिया, 25 को अलग कर लिया, 12 को अलग और 25 को अलग, 25 को 25 से गुणा करो 625, अब 625 के कितने डिजिट लोगे और कितनी हासिल लगाओगे, दो डिजिट लेंगे क्योंकि इधर भी दो ही आ रही है राइट साइड में, तो 25 का ले लिया 25 और हासिल क्या लग गई हमारी 6। अब क्या करो, वज्र गुणा करो, 25 को 10 से गुणा 250,
25 को 12 से गुणा, पहले 25 को 10 से गुणा 250, और 25 दो 50 300, 300 में 250 जोड़ दो, 300 में क्या जोड़ दो, 250 जोड़ दो, 550, 550 में 86 और जोड़ दो 556। अब 556 का 56 लिखेंगे और 5 हासिल लगाएंगे, 12 को 10 से गुणा करो 120, 120 और 5 125, आया मजा। अब ऐसे ही हम स्क्वायर कर सकते हैं, देखो स्क्वायर करना तो बिल्कुल ही आसान लगेगा। अब आपको 55 का स्क्वायर करना है, यानी 55 को 55 से गुणा करना, क्या करोगे, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 और 25 50, 50 और 2 हासिल 52, 52 का हासिल लग गया 5, 5 पंजे 25 और 5 30। तो ऐसे ही आपको गुणा करके स्क्वायर निकालना, कितना आसान हो गया। अब हम देखते हैं एडिशन कैसे करेंगे जल्दी। जैसे 704 में आपको जोड़ना है 832, कैसे करोगे, 8 और 7 कितना हो गया 15, और आगे 0 लगा देंगे 2, फिर 3 और 0 क्या हो गया 3, और आगे 0 लगा देंगे 1, फिर 4 और 2 कितना हो गया 6, ये हो गया 1536, ये हमारा हो गया एडिशन। अब हम देखो सीखते हैं ऐड करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना और घटाना। देखो जोड़ते कैसे हैं, कोई भी दो संख्या ले लो, जैसे 74 में हमें जोड़ना है 86, हम कैसे जोड़ते हैं, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 8 और 7 15 और 1 16, हम ऐसे जोड़ते हैं। लेकिन इस जोड़ का एक माइनस पॉइंट ये है, इसको हम माइंड में नहीं कर सकते, और जो मैं अब सिखा रहा हूँ, हम सीख रहे हैं अभी, वो हम माइंड में कर सकते हैं। कैसे, देखो 8 और 7 15, आगे कितने कितने डिजिट बचे हुए हैं, एक एक, तो एक हम क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। 6 और 4 10, 150 में 10 जोड़ दो 160। जैसे देखो, क्या इसको हम माइंड में नहीं कर सकते, आप ही बताओ, 7 और 2 9 यानी 90 हो गया, 90 में 8 और 8 16 जोड़ दो 106। कोई भी संख्या, जैसे 98 में जोड़ना है हमें 28, क्या करोगे, 9 और 2 11, 11 कर दिया, आगे कितने जीरो, एक जीरो, 110, 8 और 8 16, 110 में 16 जोड़ दो 126। देखो माइंड में करके देखते हैं, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 88 में जोड़ना है 49, क्या करोगे, 8 और 4 12 120, 120 और 17 133। कुछ भी संख्या लो, जैसे 86 में जोड़ना है 67, क्या करोगे, 8 और 6 14 140, 140 में 14 जोड़ दो 154। इसके बाद में देखो, जैसे हमें 98 में जोड़ना है 29, तो हम कैसे करते हैं, वैसे जोड़ेंगे, या दूसरा तरीका क्या है, पहले 2 जोड़ लो, बन गए 100। जीरो जो भी बनाता है ना, उसको पहले बनाया करो, 98 में 2 जोड़ते ही बनता है 100, 2 में और क्या जोड़ सकते हैं हम, 27 जोड़ दो, 100 और 27 127। जैसे 88 में हमें जोड़ना है 104 जोड़ना है, क्या करोगे, 100 में 88 में 4 जोड़ दो, कितना हुआ 92, 92 और 100 192। ऐसे ही अगर माइनस करना हो, जैसे माइनस करने में सबसे ज्यादा हमें दिक्कत आती है, 134 में से हमें माइनस करना है 96, क्या करोगे, पहले 100 माइनस कर दो, 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 124, लेकिन माइनस तो हमें 96 ही करना था, यानी 4 हमने ज्यादा माइनस कर दिया, उस 4 को यहाँ पे जोड़ दो, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पे 34 हो जाएगा, 34 और 4 कितना हो जाएगा 38, ठीक है। इसके बाद में देखो, जैसे 156 है, 156 में से हमें माइनस करना है 95, पहले 100 माइनस कर दो ना, 100 माइनस करते ही आएगा 56, लेकिन 5 ज्यादा कर दिया हमने, 5 इसको वापस दे दो, 56 और 5 61, इतना आसान हो गया। इसके बाद में देखो, ऐसा ही और संख्या लेते हैं, जैसे बड़ा जो भी नंबर होता है, जैसे 996, 855, इनको जोड़ना है, तो क्या करोगे, 9 और 8 17, 17 तो लिख दिया, आगे कितने जीरो लगाओगे, 2 जीरो 1700, फिर इसको जोड़ो 6 और 5 11, आगे कितने जीरो लगाओगे, 1 1, फिर आगे 6 और 5 11, इनको जोड़ दो 700 और 110 810, 810 और 11 821।
आ रहा है समझ में? तो हमने क्या क्या कर लिया देखो, सबसे पहले हमने किया वन डिजिट नंबर, जल्दी कैसे करते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 25, मल्टीप्लाई बाई उसके बाद में क्या किया था हमने 125, बाद में 11, 55 का भी मल्टीप्लाई किया था हमने, और बाद में हम कर रहे थे 2 डिजिट, बाद में 3 डिजिट और 4 डिजिट, 2, 3 एंड 4। इसके बाद में हमने कुछ एडिशन करना सीखा और माइनस करना सीखा, सब्सट्रैक्शन करना सीखा, ये चीजें हमने इस वीडियो में सीखी। तो आपने अगर इस क्लास से थोड़ा सा भी सीखा है, 1% भी अगर सीखा है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके आगे बेल आइकन दिखेगा उसको दबा दीजिए, और वीडियो को भी लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।